पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई जब सब स्थिति सरकार ने साफ कर दी कि कोई हकमारी नहीं हुई है, आप तो रोज झंडा उठाए हो कि हकमारी हकमारी, क्या तो कर लिया गवर्नमेंट ने? देखिए, सच को किसी भी तरह से दबाया और झुकाया नहीं जाता। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कम से कम अनुप्रिया पटेल ने सच स्वीकारा, इसके लिए उनको हम साधुवाद देना चाहते हैं। वही बात समाजवादी पार्टी कह रही है। अब तो आंकड़े प्रत्यक्ष को किसी भी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर प्रदेश में 35 के 35 स्टेट विश्वविद्यालय हैं, आप देख लीजिए। इसी लखनऊ में देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कौन है कुलपति? जेपी पांडे जी हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का कौन है? आप देख लीजिए, अभी आचार्य नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं पता, आलोक राय है, नहीं जानते आप? कौन? अरे आलोक राय को कौन नहीं जानता? आलोक, मैं सुन तो लीजिए, दो चार पांच तो सुनिए, कम से कम पांच विश्वविद्यालयों में सुनिए। अगर जिन कुल 35 अगर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की लिस्ट देखेंगे तो ज्यादातर शुक्ला, पांडे, अभी देखिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की कुलपति कौन है? वंदना सिंह जी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के कौन है? टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जेपी पांडे हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कौन है कुलपति? मुकेश पांडे जी हैं। तो जब कहीं भी राजभर, बिंद, यादव, इन लोगों को, जो पिछड़ा तबका है, पटेल है, जो 70% आबादी है, उसके कहीं भी हिस्सेदारी को आप 7% भी नहीं रखना चाहते? कुलपतियों पे आरक्षण ही नहीं है। अरे आरक्षण कैसी बात कर रहे हैं आप? जब जब मंडल कमीशन की आयोग लागू हुई तो स्पष्ट हुआ कि शैक्षणिक संस्थानों में और शासकीय व्यवस्थाओं में क्या कुलपति शैक्षणिक संस्थान का नहीं रहता? क्या कर रहे थे मंडल कमीशन? अब आप अपनी बात कर लीजिए, नोट कर देखिए, आप बोलो। भारतीय जनता पार्टी का जो समूचा न्याय है वो द्रोणाचारी न्याय है। वो चाहते हैं कि हर तरह के प्रतिभा का, जो बहुजनों के घर से निकलती है, उसका कम से कम अंगूठा ले ले। लेकिन अब ये जो नया दौर आया है, इसमें पीडीए के नायक अखिलेश यादव आए हैं, अब वो अंगूठा नहीं देना चाहते हैं, वो हक मांगना चाहते हैं जातिगत जनगणना के थ्रू। तो भारतीय जनता पार्टी तो अगर आरक्षण का पक्षधर होती तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तब इस देश में आपके पास कोई आंकड़ा है? जी, एक कमंडल लेके चले, वो किसने कमंडल लेके चले? ऐसे बात, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कितने नॉट फाउंड सुटेबल हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं, या जो आपकी लेटेस्ट अभी अभी दोस्त बनी अनुप्रिया पटेल, जिनके लिए आप अच्छे बोल रहे हैं, उनकी तरफ से कोई आंकड़ा नहीं प्रस्तुत किया गया? बिल्कुल आंकड़े हैं। आपको आपको जीबी पंत यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में देखिए, वहाँ एक बद्री नारायण जी हैं, वो तथाकथित बहुजनों को के लिए लेख लिखते हैं, और उन्होंने वहां एनएफएसएस करके 17 की 17 ओबीसी की सीटों को जनरल को दे दिया। इसी उत्तर प्रदेश में मैं एग्रीकल्चर, 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें एक कोई दलित पिछड़ा रहता? पूरे संस्थानों में, सरकारों में 68,000 को लेकर के आपके संस्थान ने कितना नहीं दिखाया 69,000 भर्ती में। तो जब सब तरह के, इसी उत्तर प्रदेश में भाई, उस पार्टी में मुख्य सचिव कौन है, डीजीपी कौन है उत्तर प्रदेश में, आप हमें बताइए, एसटीएफ का चीफ कौन है उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए। जब हर जगह आप एक जाति के तो लोगों कह रहे मेरिट है, मेरिट, अरे मेरिट मेरिट कहाँ है? मेरिट जो और लोग जो जो बहुजनों के जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो बिना मेरिट के सेलेक्ट हो गए? अरे मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे? मैं तो पूछ रहा हूँ ना। नहीं, यहाँ पर चिल्ला नहीं रहे, असल में भारतीय जनता पार्टी का देखिए, भाई अगर गलत होता तो हमारा दोस्त अरुण तो कुछ तो बोलते नहीं, मेरी बात। अगर अरुण नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब कुछ बात में सच्चाई नहीं है। आपके दोस्त इसलिए नहीं बनेंगे कि बेचारे गुलाम है इस समय, उनको अब इस समय कीर्तन गाना ही पड़ेगा। हालांकि हर तरह से बेचैन और व्यग्र है सब लोग, अब ये क्या बोलेंगे बेटा, बेचैन आप हो, वो मंत्री बने हैं आपका, उनको कौन से इनके विधायक नीट के जो पेपर लीक है एनटीए का, उसका हिस्सेदार है बेचारे, चुनाव जीत नहीं पाए, बहुजनों के नाम पर अपना परिवार और अपने पिताजी को बचाए और बनाए रखना चाहते हैं, वो भी मामला। क्योंकि आपने व्यक्तिगत आरोप लगाया? मैंने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, व्यक्तिगत रूप से हम किसी का, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये बताए कि उत्तर प्रदेश के 35 यूनिवर्सिटी में कितने दलित पिछड़ों के कुलपति हैं? अगर आप 27% के भी हिसाब से देखें तो कम से कम 12-13 होने चाहिए। आप सुन तो लीजिए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने डायरेक्टर दलित पिछड़े वर्ग के, राहुल सेक्रेटरी कितने उत्तर प्रदेश के, 75 कितने डीएम और कप्तान पिछड़े दलित वर्ग के हैं? तो जो आरोप है क्या, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में
कितने दलित और पिछड़े वर्ग के मेरिट पे पोस्टिंग होती है ना, उसका कोई आरक्षण नहीं। अरे मेरिट मेरिट पे आरक्षण, मेरिट क्या होता है? मेरिट मेरिट बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? वो मेरिट आरएसएस तय करता है, आप ठीक ना, 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 इस देश में मेरिट आरएसएस तय करता है। मेरिट मतलब काम के आधार पर पोस्टिंग होती है, काम के आधार पर। इस देश में मेरिट इस समय योगी आदित्यनाथ जी की और राहुल की सरकार। धन्यवाद मनोज, प्लीज आप शांत हो जाओ। और आरएसएस के आप देखो मान जाओ, आप गलत बात कर रहे हो, गलत है, आप सही कर रहे हो। मैं खत्म कर रहा हूँ साहब, आपके मेरिट और मेरिट और मनुवाद के और आरएसएस के मेरिट में दलितों काम की गुणवत्ता है, उनकी गुणवत्ता गुणवत्ता है, शासकीय और क्वालिटी काम करते हैं वो। उनकी गुणवत्ता यही है कि वो अंगूठा भी आपका ले लेना चाहते हैं और एक दर्शन प्रस्तुत करना चाहते हैं। सुन लीजिए, खत्म कर रहे हैं आप रुक जाओ प्लीज। दर्शन प्रस्तुत करना चाह रहे, माइक बंद, इससे आपको स्वर्ग, आप मानोगे नहीं तो माइक बंद।